पहले बात करेंगे प्रेगनेंसी के पहले महीने की, फिर दूसरे महीने की, फिर तीसरे महीने में। ये जो पहला महीना होता है इसी में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटीज़ बनी रहती हैं, एक्साइटमेंट बनी रहती है, और ये भी जानने की होड़ लगी रहती है कि प्रेग्नेंट हुई है या नहीं। ये जो महीना होता है ये काफ़ी कहे तो साइलेंट होता है, क्योंकि इसमें अभी तक महिलाओं को पता नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट है भी या नहीं। कैसे पता नहीं चलता है? क्योंकि जब तक डेट मिस नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा, और जब डेट मिस हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका पहला महीना ख़त्म हो चुका है, दूसरा महीना स्टार्ट हो चुका है। पहले महीने में डेट मिस होने से पहले कई महिलाओं को लक्षण आते हैं, बहुत बारीक से आते हैं, लेकिन पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बॉडी के फंक्शन के बारे में पता नहीं है कि प्रेगनेंसी में कैसे काम करता है, सिम्टम्स क्या आते हैं। तो यूजुअली जब दूसरा महीना शुरू होता है तभी से सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हार्मोन्स बढ़ने अब शुरू हो गए हैं प्रेग्नेंट होने के बाद, तो उबकाई आना, नौजिया फील होना, मॉर्निंग में सुबह के समय बहुत ज़्यादा तबीयत खराब जैसा फील होना, जैसे उबकाई आ रहा है, पैर में झंझनाहट हो रही है, चक्कर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं सुबह में, पसीने काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं सुबह में, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिखने लगता है। सुबह के समय कई महिलाओं को पता चलता है कि उनकी प्रेगनेंसी हो चुकी है कंसीव, क्योंकि पूरे दिन तो काफ़ी अच्छे से वो रह रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, लेकिन यही एक लक्षण जो है वो पूरे दिन ना आके सिर्फ सुबह में आता है, इसे हम कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस। ये पहले महीने में तो ना आके दूसरे और तीसरे महीने में काफ़ी ज़्यादा दिखता है, कई महिलाओं को चौथे महीने में भी दिखता है। तो ये जो मॉर्निंग सिकनेस है, कई महिलाओं को तो इसी से पता चला है कि वो प्रेग्नेंट हैं। सुबह के वक्त क्या होगा, कैसे चेक करेंगे आप? जैसे अगर आप खाली पेट पानी पी ले रही हैं या ब्रश कर रही हैं तो आपको फील होगा कि आपको उबकाई फील हो रहा है, आपको उल्टी जैसा फील हो रहा है, अचानक से काफ़ी चक्कर आने लग रहा है, और ये हर अल्टरनेट डेज पे, यानी एक दिन बीच करके दूसरे दिन पे, या रोज़ाना ऐसा सुबह के समय फील होता है, और ये तब काफ़ी फील होता है जब आप बेड से उठ के दूसरे कामों में लगती हैं, या फिर अभी अभी आप जागी हैं तब भी काफ़ी ज़्यादा फील होता है। इससे बचने के लिए क्या करना है? इससे बचने के लिए जब आप पानी पीते हो सुबह में तो आपको टहलना है और ठंडी हवा में जाना है, जिससे कि ये असर कम करे मॉर्निंग सिकनेस। वैसे तो महिलाएं से 3 महीने तक काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं, और सुबह में बाकी दिन भर वो काफ़ी एक्टिव रहती हैं, लेकिन जब भी सुबह होती है तो ये ही सिर्फ सिम्टम्स ज़्यादा दिखता है। पैरों में भी दर्द होने लगता है कई महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा चक्कर, पसीने आने लगते हैं, ऐसा लगता है कि उनका बीपी लो हो गया है। तो ये लक्षण जो होता है महिलाओं की प्रेगनेंसी को कंफर्म कर देता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।